हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। लोग मुझसे पूछते हैं कि दुनिया का बेस्ट एक्टिंग स्कूल कौन सा है। सो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का बेस्ट एक्टिंग स्कूल वो है जो आप अपने नाम से खोलते हैं। एग्जैक्टली आप अपने नाम से खोलते हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि न तो फीस की चिंता, न दो तीन घंटे की चिंता, न कोर्स तीन महीने बाद छह महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा उसकी चिंता, क्योंकि ये एक्टिंग स्कूल आपका अपना है। जब मन में आया, दिन के किसी भी पहर, रात के किसी भी पहर, जब आपके पास थोड़ा सा वक्त मिला, क्योंकि ताला भी आप हैं और चाबी भी आप हैं। सो बिना देर करे आप सबसे पहले आप अपने नाम का एक्टिंग स्कूल खोलिए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि शिक्षक भी आप हैं और स्टूडेंट भी आप हैं। आप जानते हैं कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब रह जाता है आप बाहर जाके कुछ सीखना चाहते हैं, करेक्ट? तो आप बाहर जाकर सीखने से पहले ये देखिए कि वो एक्टिंग स्कूल कौन सा एक्टिंग स्कूल है जिसको फीस की कम पड़ी हो और आपके करियर की ज्यादा पड़ी हो, आपके करियर की फिक्र ज्यादा हो। आप उस एक्टिंग स्कूल को ढूंढिए जो आपके ऊपर विश्वास रखता है कि आज नहीं तो कल आप स्टार बनेंगे। आप उस एक्टिंग स्कूल में जाइए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझता है, आपकी वीकनेसेस को, आपकी हर चीज को समझकर बिना डरे कि आप किसके बेटे हैं, किसके भाई हैं, कौन से बड़े जो है वो फिल्म फ्रेटर्निटी के घर से आए, इसकी चिंता ना हो। वो आपको सिर्फ एक विद्यार्थी समझे। अगर आप गलत हैं तो बोले आप गलत हैं, अगर आप देर से आते तो आपको डांटे। बिना डरे आप उस एक्टिंग स्कूल में जाइए, वहां सीखिए आप। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मित्र है जो आपके साथ पेइंग गेस्ट में रहता है, वो एक एक्टिंग स्कूल में जाता है और आपके कहने पे वो आपको एक दिन ले जाता है और वहां जाके आप देखते हैं कि कुछ अलग तरह की एक्टिंग सिखाई जा रही है वहां पे। फॉर एग्जांपल मेथडिकल एक्टिंग सिखाई जा रही है। आपको लगता है यार ये भी सीख लूं, जरूर सीखना चाहिए, ऑफकोर्स सीखना चाहिए, बट जो आपको आता है उससे आपका डाउट, उस पर आपका डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप मेथोडिकल एक्टिंग एक्टर नहीं थे, आपका कोई वास्ता नहीं था मेथोडिकल एक्टिंग से, आप बहुत इंपल्स और आप बहुत रियल एक्टर थे जो एक टेक में करते, दूसरे टेक में लगभग वैसा नहीं होता, आप कुछ और प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे भी लोग सुपरस्टार बने, ऐसे भी लोग आज इंडस्ट्री में हैं। तो ऐसा नहीं हो जाए कि उसके साथ आप किसी और एक्टिंग स्कूल में गए और जो आपको आता था उस पर भी आप डाउट करने लगे। सो बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, पता करिए कि कौन सा एक्टिंग स्कूल क्या क्या सिखा रहा है। आप मुंबई आए क्यों? आप मुंबई में क्या थिएटर करने आए? अगर आप थिएटर करने आए तो वो शिक्षक के पास जाइए जो आपको थिएटर सिखाता हो। और आप अगर बॉलीवुड में बॉलीवुड एक्टर बनने आए, बॉलीवुड अभिनेता बनने आए, तो आप कहां जाएंगे? बॉलीवुड अभिनय सीखने जाएंगे ना। और बॉलीवुड अभिनय एग्जैक्टली कौन ठीक से आपको सिखा सकता है? आई फील आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, आपको एक फिल्म मेकर जिसको दो तीन डिकेट्स का अलग अलग जॉनरे की फिल्म करने का पता हो, वही तो आपको ठीक से सिखा सकेगा। उसको पता हो कि क्राइम का जॉनरे क्या है, उसको पता हो कि लव स्टोरी क्या है, उसको पता हो कि फैमिली सिनेमा क्या है, उसको पता हो कि कौन सा प्रोफाइल आपको अच्छा लगेगा, आपको कैसे शूट करूं, कितना लो रखूं, कितना मिड, कितना हाई। वो अपने कैमरामैन से बोलेगा कि इसके लिए ये फिल्टर्स लगाओ तो अच्छा रहेगा, इसको मैं ऐसे शूट करता हूं, वो आपके हिसाब से सीन लिखेगा। उसी के अंदर आप सीखने जाएंगे ना। सो मुझे ऐसा लगता है, नंबर वन मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने खुद के नाम का एक्टिंग स्कूल शुरू करिए और उसमें दुनिया यहां से वहां हो जाए। 6 बजे मतलब 6 बजे आप अपने एक्टिंग स्कूल का ताला खोल के भीतर चले जाइए। भूखे हो, प्यासे हो, बीमार हो, कुछ भी हो, कोई भी रियाज करिए। और मैं आपको बताता हूं, और ये मैंने मेरे अपने घर में देखा है, जब मेरे फादर को बुखार होता था तो वो कहते थे दवाइयां बाद में दो, मेरा हारमोनियम मुझे दो पहले, और वो हारमोनियम की घंटों रियाज करते थे और कई बार मैंने उनको ठीक होते देखा है। जब आप इस कला की तपस में तपेंगे ना, आई एम श्योर देर सपेर आप हीराई बन के निकलेंगे।
उसमें कुछ कटौती मत करिए। सो एक ये कि आप अपने नाम का एक्टिंग स्कूल खोलिए। रही दूसरी बात, जब आप बाहर कोई एक्टिंग स्कूल ढूंढ रहे हैं तो वहां जाइएगा जहां पर आज 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 इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो बताया जाए, न कि बहुत पुराने ढर्रे का एक्टिंग, पुराने ढर्रे की चीजें चल रही हो। और कोशिश करिएगा कि किसी फिल्म मेकर के अंडर ही सीखिएगा। अब हमारी बॉलीवुड अभिनय की बात कर लीजिए तो हम लोग खुलकर बोलते हैं कि देखो भाई, हम शुरू में तो आपको बताते हैं कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग इज ऑल अबाउट व्हाट। उसके बाद हम स्ट्रेट बताते हैं कि अब आपको 2-3 दिन के बाद बॉलीवुड अभिनय, बॉलीवुड एक्टिंग सिखाई जाएगी। बॉलीवुड एक्टिंग का मतलब है कि एक ही सीक्वेंस हो सकता है 3 महीने में करना पड़े, 6 महीने में करना पड़े। उसके लिए आपकी सेम मानसिकता, सेम शरीर, सेम चीज, सेम इंटेंसिटी आप कैसे रखेंगे। थिएटर तो है नहीं कि 3 घंटे में पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। यहां तो 2-2 महीने के बाद सेट लगेंगे, 3-3 महीने के बाद बाकी के लोगों की, बाकी के एक्टर्स की डेट मिलेगी। तो आपको अपने आप को टिल फिल्म के कंप्लीट होने तक सेम उसी कैरेक्टर में रहना। अगर आप विजय दीनानाथ हैं तो फिल्म के एंड तक आप विजय दीनानाथ लगने चाहिए, करेक्ट। सो हम क्या सिखाते हैं, हम बॉलीवुड अभिनय सिखाते हैं, एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, एक्टिंग इन लाइट्स के साथ, एक्टिंग एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हां, एक्टिंग एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने बहुत लंबे लंबे पॉजेस ले लिए तो एडिटर क्या करेगा, आपके शॉट को काट देगा और किसी और का इंसर्ट कर देगा। और जब सेल्यूलॉइड पे एक एक फ्रेम भी आपका कम होने लगता है तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं आप करियर में हो सकता है कि पीछे की तरफ आ रहे। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बॉलीवुड अभिनय है क्या, और फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत आगे आता हूं तो हो सकता है मैं आउट ऑफ फोकस हो जाऊं, और मैं बहुत पीछे चला जाऊं तो हो सकता है मैं आउट ऑफ फोकस हो जाऊं, और मैं अगर और ऐसे हो जाऊं तो हो सकता है मैं आउट ऑफ फोकस हो जाऊं। तो जो मेरे कैमरामैन ने मुझे जगह बताई है वहीं खड़े रहकर मुझे परफॉर्म करना, क्लोज में, मिड में, लॉन्ग में, कुछ आज कल कुछ कर परसों, वैसे डबिंग करना, वैसे ही राइटिंग का सेंस समझना, वैसे मिक्सिंग क्या होती है पता होना। ये अगर लाइनें मैं यहां बोल रहा हूं तो हो सकता है मुझे डबिंग में जाकर सेम बोलना पड़े। सो ये वो बॉलीवुड अभिनय है, बॉलीवुड एक्टिंग है। सो आपको क्लियर होना पड़ेगा आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप मेथोडिकल एक्टर बनना चाहते हैं तो आप उसी तरह के स्कूल में जाइए, वही सीखिए आप। और आप अगर कंप्लीट बॉलीवुड एंटरटेनर बनना चाहते हैं तो कुछ अलग अलग क्लासेस से सीख कर आइए, पर आपकी अपनी खोज खुद के लिए, रोज खुद को इंप्रोवाइज करना, रोज खुद को अपग्रेड करना, रोज इंटरनेशनल सिनेमा देखना, आज का सिनेमा देखना, कल का देखना, परसों का देखना, और सीखते रहना। और मैं बता दूं, कला को दिया गया समय लौट आता है। मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से, जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मंजिल तक पहुंचा देंगे तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।